राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:50 के उपरांत बेटा एक भयंकर समय आने वाला है। बात मानो वीडियो अकेले में देखना, क्योंकि जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं सुनकर आपको आज रात भर नींद नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बस आप इतना समझ लीजिए कि आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है, इसलिए आप इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सारी दुख दर्द कष्ट संकट सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों यकीन करते हैं माता रानी के ऊपर, तो जरूर ही सच्चे मन से वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और चेतावनी भरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके हर पूरी और भले वक्त में आपका साथ है। प्यारे दोस्तों, आपका एक अपना पुराना दुश्मन आपके पीछे लग चुका है, आपकी जान लेना चाहता है और आपके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है। कुछ काली तांत्रिक क्रियाएं भी हैं जो इस शत्रु ने आपके लिए तैयार की है और आने वाले समय में यह आपके लिए जान बोल रहा है। अब यदि आप इसके बारे में सतर्क नहीं हुए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, या यूं कहें कि आपका जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा यह दोस्त, क्योंकि यह सत्र आपका आज का नहीं है, यह बहुत पुराना शत्रु है। लेकिन कुछ समय से यह आपके बारे में भूल चुका था, या यूं कहें कि अपने जीवन काल में व्यस्त हो चुका था। अब यह फिर से आपके पीछे लग चुका है, आपकी किसी न किसी बात को लेकर यह पूरी तरह से जोड़ चुका है और आपकी जान लेना चाहता है। हम ये सारी बातें ही नहीं कह रही है, आपके ग्रह नक्षत्र आपके तारे यह बातें बता रहे हैं। यह प्यारे दोस्तों आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कोई पुराना छुपा हुआ दुश्मन आपकी जान लेना चाहता है, आपके पीछे पड़ा है। प्यारे दोस्तों आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर इन बातों में कुछ प्रतिशत की भी सच्चाई हुई तो यह आपके लिए बेहद जानलेवा होगी और यदि आपके जीवन को घाट नहीं होगा तो कम से कम इतना तो अवश्य हो जाएगा कि यह आपको एक बहुत बड़ी हानि पहुँच जाएगा। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है प्यारे दोस्तों कि आपको इन सब बात तो के बारे में पूरा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए और पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए हमने प्रारंभ में ही यही कहा था कि चेतावनी भरा है यह ज्योतिष कार्यक्रम। इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप कोई साधारण ज्योतिष कार्यक्रम न समझे, यह आपके भविष्य को लेकर बहुत बड़ा ऐलान है, एक बड़ी चेतावनी है। अब समझदारी इसी में है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा देख लें और अंत तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखें और इसमें बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। प्यारे दोस्तों हम बहुत ही मेहनत के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर आई है और बहुत बड़ी ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर हम इन सब बातों को कह रहे हैं, तो इन बातों को आप बिल्कुल भी अनदेखा न करें। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया है और अनदेखा किया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की एक बहुत ही भयानक भूल कर देंगे। यह प्यारे दोस्तों क्योंकि जो हम आपको बता रही है वह आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटेगा। ग्रह नक्षत्रों की चांद का जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है, तो क्यों बिना मतलब मैं जीवन में परेशानियों का आगमन करवाना। दावत बेहतर यह है कि ज्ञान हासिल किया जाए और सावधानी बरतनी जाए तो आप बिल्कुल बाल बाल परेशानियों से बच जाएंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है बिना समय गवाए। प्यारे दोस्तों आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे खेल के साथ, जैसे कि एक छोटा बालक अपनी माँ कोड़ोट बुलाता है,
बिल्कुल वैसे ही आपको कमेंट में 3 बार लिखना है। जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। प्यारे दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी इस प्रकार को मां भद्रकाली निश्चित तौर पर सुनेंगे और स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएंगे। और जब माता की रक्षा के लिए आगे आ गई, आपकी रक्षक बन गई, तो फिर दुनिया की कोई भी कैसी भी शक्ति हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि माता आपकी रक्षक बने, फिर आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी माँ की होगी और किसी की नहीं। और आप निडर होकर इस संसार में घूमें, आपका बाल भी बाका नहीं हो। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपना नाम और अपना स्थान लिखकर भेजा था, हमने शनिवार की सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में उनकी डांसर आहुतियां करवाती है। अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, उन्हें खुशखबरी या प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्त, याद रखें कि हम यदि किसी की कृपा पाना चाहते हैं, तो उनके दरबार में अर्जी तो लगानी पड़ती ही है। तो इसी प्रकार आप माँ भद्रकाली के दरबार में अर्जी लगाई, अपना नाम और अपना स्थान जहाँ आप रहती हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखकर दे दे। यकीन मानिए प्यारे दोस्तों, ये हमारा विचार नहीं है, यह का आशीष है। और हम तो केवल माई के आदेश का पालन नहीं कर रही है, शायद माँ ही हमारी माध्यम से जन कल्याण करना चाहती है, सबके जीवन में खुशियाँ भर देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों के सामने तो बस कृपा आपके आज पहुँचाएगी, हमारा पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ हमारा आपसे एक और निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे दोस्तों, बगल में जो लाल रंग का निशान है उसे आप दबा दें और वह सब्सक्राइब हो जाएगा। उसी के बगल में एक घंटे का निशान है, उसे भी अवश्य दबा दें। प्यारे दोस्तों, इससे हम जब भी आपके लिए ऐसा ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम लाएंगे, आपको तुरंत उस ज्योतिष कार्यक्रम का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आपको एक महत्वपूर्ण ध्यान भी मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, से ऐसा करना बिल्कुल ही फ्री है, आपका एक भी रुपया इसमें नहीं लगेगा। लेकिन यकीन मानिए कि आप लाखों करोड़ों का मनोबल हमें दे देंगे और हम और भी अधिक मेहनत के साथ आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करने लगे देंगे। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल की घंटी के निशान को दबा दीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो आपके लाभ के स्थान पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे गायब आपको हानि के भाव में बैठकर बहुत बड़ी हानि पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी कार्य करना बहुत आवश्यक हो जाता है और कुछ चीजों से आपको बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया चाहिए, बचकर रहना चाहिए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपनी बातों को कभी किसी पर भी न तो पर भूल कर भी किसी से बहस न करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, नहीं तो निश्चित तौर पर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा और यह झगड़ा और कर बहुत आगे तक जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत में मोड़ ले लेगा। इस प्रकार हम आपको बता दें कि आपकी जो लव लाइफ है या दांपत्य जीवन है, इसके बीच किसी तीसरे आदमी को बिल्कुल भी ना आने दें। प्यारे दोस्तों, जब कोई तीसरा व्यक्ति जीवन के बारे में, यानी आपकी लव लाइफ के बारे में और आपके दांपत्य जीवन या जीवन साथी के बारे में आपसे कुछ कहे, तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। प्यारे दोस्तों, किसी से भड़काऊ बातें हैं और आपके रिश्ते को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। आप अपने साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें और बिल्कुल भी उसके ऊपर अपनी धाक जमाने की कोशिश न करें, बिल्कुल भी उसे पकड़ना दिखाएं। प्यारे दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आपका दिन जीवन दांपत्य जीवन सुंदर तब तक ही रहेगा जब तक कि आप चुप कर रहेंगे, अपने जीवन साथी और अपने प्रेमी की बात मानकर क्रीम के साथ रहेंगे। आप अपनी मर्जी भी बनवा सकते हैं, लेकिन प्रेम से प्यारे दोस्तों आपके अंदर एक कमी है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, क्रोध दिखाने लगते हैं, जरा जरा सी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं
और आपका हाथ होने लगता है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपका जीवन आपका रिश्ता दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों हम आपको और बता दें कि आपको जीवन के लिए नई ऊर्जा प्रेरणा और सलाह सब कुछ आपके प्रेमी या फिर आपके जीवन साथी से आपको सर्वोत्तम प्राप्त होता है। जब भी आप निराश होते हैं आपका जीवन साथी आप कब मिलोगे, आपका प्रेमी आपका मनोबल बढ़ता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन यह सब होगा तभी जब आप स्वयं अपने रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे और अपने दम पर अपने रिश्ते को निभाएंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, और यहीं से आपके जीवन की सुंदरता का रास्ता खुलता है। इसे आप मान कर चलिए प्यारे दोस्तों। दूसरी भविष्यवाणी प्यारे दोस्तों आपके लिए यह रहेगी कि आपके कार्यस्थल पर परेशानियां बहुत अधिक आएंगे। कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी जिनका हल ढूंढ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपको इन परेशानियों के समाधान ढूंढने में बहुत अधिक परेशानी आएगी, बहुत अधिक चिंताएं आएंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि जो परेशानियां हल न कर पाए उन परेशानियों को आप आज छोड़ दें, कल नई दिल्ली के साथ नई समाधान निकल कर आएंगे। यदि आप और परेशानियों की चिंताएं लेकर बैठ जाएंगे तो आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे और अपने जीवन को स्वयं तहस नहस कर इस सबके बीच सब से बड़ी बात यह होगी कि जो जरूरी काम है वह आपके छूट जाएंगे। तो जितनी परेशानी आप हल कर सकते हैं, जिन समस्याओं के समाधान आपको मिलते हैं उन्हें आप ले लें, और जिनके नहीं मिल पा रही हैं उनकी चिंता अपने दिमाग से निकाल दे, अगले दिन आपकी उन समस्याओं का समाधान निकल कर आएगा। यह प्यारे दोस्तों अपने आप आपको समाधान सोचेगा और आप निर्णय ले पाएंगे। एक और भविष्यवाणी यही रहेगी कि बिना तथ्यों की जानकारी की आप अपने मन में कोई भी विचार न लाएं। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में आपसे कोई कुछ कहता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप उसका बिल्कुल भी यकीन न करें जब तक कि आप खुद जांच परख न कर लें। क्योंकि हम आपको बता दें प्यारे दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के जितने मित्र होते हैं उससे कहीं अधिक सच होते हैं। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आपके शत्रु आपके मित्रों में ही छुपे होते हैं। ऐसे में आपको यह पता ही नहीं लग पाता कि कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। होता यह है कि कभी कभी आप ऐसे कार्य कर जाती है, खुद ही ऐसे ऐसे निर्णय ले लेती है जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। और उन निर्णयों का आधार यह था कि किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया था, आपको कुछ कहा था, बताया था, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको पछताना पड़ा। तो आंख बंद करके किसी की भी बात का आपको भरोसा ऐसा नहीं करना है, पहले जांच परख करनी है। या प्यारे दोस्तों आपके प्यारे दोस्तों पर आ जाएगी जो आपके प्रेमी हैं, वह आपसे दूर जाएंगे और आपके शत्रु बलि होंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव होगा। प्यारे दोस्तों के पैसे की खींचतान रहेगी, पैसे की कमी की वजह से आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ते जाएगा। कोई ऐसा काम जो कि पैसे की कमी की वजह से रुक जाएगा, जिससे आपको मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका जो अभी समय चल रहा है, क्योंकि जो चाल है इस बात का संकेत दे रही है कि लोग आपसे मीठा बोलकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी बातों में उलझा आएंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और आपको फुसलाकर आपकी शोषण करेंगे, आपके संसाधनों का प्रयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके ऊपर पैसे का दुरुपयोग करेंगे, तो आपको बचकर रहना है। जब कोई अपना दुख ना आपके सामने आकर होता है, आपके सामने निवेदन और विनती करता है, मदद मांगता है, तो यूं ही बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे न बढ़े, सोच समझ कर आगे बढ़े। थोड़ा विचार कर ले कि जिसके लिए आप कार्य करने जा रही है इसकी मदद करने जा रहे हैं
उसका पहले आपके साथ कैसा बर्ताव रहा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे, वरना अनावश्यक बोझ आपके मन पर रहेगा और परेशानियां आपको घेर कर रहेंगे। ऐसे में कुछ आपके रिश्ते नाते ऐसे भी हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, यानी कि आप उनके साथ मधुरता लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप जा रहे हैं कि यह रिश्ता रहे, अच्छा रहे, लेकिन यह बन नहीं पा रहा है। किसी न किसी बात को लेकर आपकी खींचतान हो जाती है, तो आपको इस रिश्ते की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ देनी है और प्रयास करना बंद कर देना है। प्यारे दोस्तों, समय के साथ यदि भगवान ने अच्छा सोचा है तो यह रिश्ता मीठा हो जाएगा, और यदि भगवान ने कुछ और सोचा है तो वह हो जाएगा। इसे भगवान की मर्जी मानकर ही चले, आप व्यर्थ के प्रयास न करें, अन्यथा आप खुद मानसिक पीड़ा जी लेंगे और दूसरे व्यक्ति के जीवन को भी परेशानी में डाल लेंगे। दोस्त हो तो थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ काम ले। अब समय आ गया है कि हम आपको बता दें कि कौन है वह शत्रु जो पिछले काफी समय से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, या यूं कहें कि अपने जीवन की निजी परेशानियों से ऊर्जा पड़ा था, आपको बिल्कुल ही भूल चुका था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन काल में, उस शत्रु का आपके ऊपर फिर से ध्यान चला गया है। अब वह शत्रु आपके पीछे लग चुका है। प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसा शत्रु है जो मन से बहुत अधिक काला है, लेकिन ऊपर से यह मीठा दिखता है आपसे, या मीठा बर्ताव करता है, लेकिन यह आपके हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि यह सत्र वाली क्रियाओं को करने से भी पीछे नहीं हटता। कई प्रकार की काली नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं को यह सचिव करवाता रहता है। इसी की वजह से आपके जीवन काल में पिछले लंबे समय से खींचतान का माहौल रहा, पाकिस्तानियों की स्थिति बनी। इसी की वजह से आपका जीवन कई बार खतरे में पड़ा और आपने यह समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब आपको फिर से सतर्क हो जाना है। हम आपको इस सत्र के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसका नाम बताएंगे और यह कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, की ज्योतिष कार्यक्रम आपको पूरा देखते रहना है, साथ ही साथ दो हम आपको इस सत्र से बचने का एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, और यह उपाय होगा एक रक्षा कवच जो आपके आसपास और आपके घर में एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करेगा जो किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर आने से रोक देगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह कहें कि वापस लौटा देगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप भी हमारे कहने के बाद भी सब कुछ समझने में असमर्थ रहते हैं। हम आपको बहुत समझाते हैं, हर एक बात विस्तार से बताते हैं, लेकिन या तो आप इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यदि गंभीरता से लेते भी है तो जो हम मेरे द्वारा बताए गए उपाय हैं, उन्हें आप ठीक से आजमा नहीं पाते हैं, हमारी बातों को आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आप मन के इतने भोले भाले हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी गलतियों को दोहराते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा सतर्कता से काम ले। अब समय आ गया है कि आपको कठोर निर्णय लेने होंगे, जैसे कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अब समय आ गया है। 5 सत्र आपके सामने है और यह सत्र कोई और नहीं, आपका अपना ही है। अब शस्त्र उठाओ और हमला करो, अन्यथा जान जाएगी, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। यही आपका भी समय है प्यारे दोस्तों, अब आपको भी शस्त्र उठाना है। लेकिन प्यार दोस्तों, आपके शस्त्र होंगे आपकी बुद्धिमानी और आपके विचार, आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। अब आपको इसे उठा लेना है और संभल कर रहना है। प्यारे दोस्तों, दुश्मन आपके पीछे लग चुका है, ऐसे में हम आपको एक सर्वोत्तम सलाह देना चाहेंगे। दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक बनना है। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको निश्चित तौर पर करना ही है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो 7 चिरंजीव भी और में शामिल हैं और जागृति है। यदि आप एक बार भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं, एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मान कर चलिए हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं।
तो हमारा आपसे बस यही कहना है कि कम से कम आपको एक बार हनुमान चालीसा पाठ दिन में अवश्य करना चाहिए। आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी राशि के जातकों की रक्षा के लिए यह बहुत ही आप ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रही है। आपके शत्रु का नाम आपके शत्रु की राशि वृश्चिक है और उस शत्रु का नाम जहां से शुरू होता है यकीन न आए तो आप अपने आसपास थोड़ा सा विचार करके देखिए जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं। उनमें ऐसा कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर है जो आपको घाट पहुंचाना चाहता है और आपके जीवन को समाप्त करना चाहता है। प्यारे दोस्तों, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। निश्चित तौर पर आप अपने जीवन का सही आकलन करें, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब ऐसे में कुछ जातक तुरंत यह सवाल पूछेंगे कि क्या सभी जातों की जीवन में एक जैसी घटना घटेगी? क्या सभी जातकों का शत्रु एक ही व्यक्ति है, एक ही राशि का व्यक्ति है? तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आना बिल्कुल ही जायज है, आना भी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसका समाधान हम आपको बताते हैं। जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वहां आपकी राशि के आधार पर दे रहे हैं और आपकी राशि में जो ग्रहों की चाल है वही हम आपको बता रहे हैं। अब क्योंकि चांद का के ऊपर फर्क तो पड़ता ही है, किसी पर कम और किसी पर ज्यादा। प्यारे दोस्तों, आपके प्रारंभ कैसे है? आपके पूर्व के पूर्वजों का आपको आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? आपकी कुलदेवी आपकी रक्षक है कि नहीं है? यदि सब कुछ आपके लिए सकारात्मक है तो फिर ग्रह नक्षत्रों की चाल का आपके ऊपर आंशिक प्रभाव होगा और आपका सत्र जो हम आपको बता रहे हैं वह आपको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर ही पीछे हट जाए। लेकिन यदि आपके शत्रु बली हैं और आपकी और के पूर्वज या यूं कहें कि के आसपास कोई अच्छा कवच नहीं है, है तो फिर आपको बड़ा आघात पहुंचेगा। और जो हमने आपके ससुर का नाम बताया है वही भी आपकी कुंडली के आपकी राशि के आधार पर बताया है। अब हो सकता है कि आपका सत्र का नाम कुछ और भी हो, क्योंकि फिर से बात वही आ गई कि आपके प्रारब्ध कैसे हैं। हमारे कहने से ही सही, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता यदि बढ़त ली जाए और कुछ उपाय अभी कर लिए जाएं तो बुराई ही क्या है। जीवन में यदि कोई परेशानी आने को होगी भी तो वह कट जाएगी, और नहीं आने को होगी तब भी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, जो आगे चलकर आपके लिए रक्षा का कार्य करेगा और अन्य प्रकार की परेशानियों से आपको रोक कर रखी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि अच्छे काम को करने में कोई बुराई नहीं है। इसे एक बार नहीं चार बार भी करना पड़े तो कर लो, कोई पैसे थोड़ी लग रहा है। प्यारे दोस्तों, आपके घर में जो सामान मौजूद है बस उसी सामान का प्रयोग करना, आपका रक्षा कवच तैयार करना है। तो अब उम्मीद है कि इन सब बातों को आप समझ चुके होंगे और जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं इन बातों का महत्व आप जान चुके होंगे। तो आप ठंडे दिमाग से सुनी कि क्या है उपाय और कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है। एक सबसे बड़ी रक्षा है, हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक लौंग का जोड़ा निश्चित तौर पर अपनी जेब में डाल कर निकले और एक पान का छोटा सा टुकड़ा चबाते हुए घर से बाहर निकले। जब आप घर में उन्हें प्रवेश करें, लौंग की जोड़ी को पीछे की ओर है जो पीछे मुड़कर न देखें, और जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें एक नियम बना लें कि हमेशा अपने हाथ पैर धोकर कुल्ला वगैरह कर घर के अंदर प्रवेश करेंगे। धोनी के अंदर आए बाथरूम में जाएं, थोड़ा बहुत और अपने हाथ पर दो, उसके बाद अपने पूरे घर में है यानी कि अपने बेडरूम बगैर जाएगा। एक अच्छी आदत है, इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके साथ आई होगी वह कल जाएगी। का ऐसा करने से आपको कई और फायदे भी होंगे जो सकारात्मक उनके जीवन को सुंदर बनाने वाले होंगे, लेकिन उनके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपकी रक्षा कवच के बारे में बात कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग
करना है और इस प्रयोग से आपका हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको एक लाल रंग का धागा लेना है और मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक आटे का दीपक जलाना है। गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए प्यारे दोस्तों। और आपको 9 बार हम ओमान चालीसा का पाठ करना, 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ धागे में 9 बार गांठ लगा लें और हर एक चालीसा के पाठ के बाद उस गांठ पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लगाते जादू। इस प्रकार 9 पाठ के साथ ही 9 घाटों पर सिंदूर लग जाएगा। अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करें और महिला राव के लिए बजरंग बाण का पाठ निषेध है तो उन्हें यह नहीं कहा। हाय प्यारे दोस्तों, अब इसी के साथ साथ हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है जो कि आपके संपूर्ण रक्षा करेगा और आपको किसी भी प्रकार के कष्ट से बचाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों से आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा। यह मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो आप इस मंत्र को ध्यान से सुने और कॉपी पेन लेकर बैठे और इसे नोट कर ले। प्यारे दोस्तों, आपको इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहले आप इस मंत्र को देखें, यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा तो ध्यान से सुने। ओम नमो हनुमते रुद्रावतार आए, सर्व शत्रु संग राय, सरोवरो घर आए, सर्व वशीकरण आए, रामदूत आए स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, बस यह बहुत ही शक्तिशाली प्यारे दोस्तों मंत्र है और यह अपने आप में जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है प्यारे दोस्तों। जो आपको इसको 11 बार जाप करना है उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है और जो आपने 9 गांठ लगाकर हनुमान चालीसा का एक बंधक बनाया है उसे आपको अपने शरीर पर कहीं भी बांध लेना है। अपनी गले में आप बांध सकते हैं, अपनी कलाई पर दाहिने बांध सकते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, भगवान सब देख रहा है और वह ही आपका सही मार्ग दिखलाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आगे आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कारगर उपाय। तमाम परेशानियां होंगी दूर। इस राशि वालों का सबसे बड़ा गुण उनकी प्रगतिशीलता है, वहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी विचार एवं व्यवहार में दोहरापन है। इस राशि के जातक अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण ईमानदार एवं प्रतिबद्ध होते हैं। यह उपाय आर्थिक परेशानियों को करेगा दूर। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए कुंभ राशि के जातक किसी मंदिर परिसर में केले का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। ध्यान रहे इस वृक्ष का फल नहीं खाएं। इस उपाय से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी, साथ ही धन मार्ग में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान चाहता है, जरूरत पड़ने पर व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए लड़ता भी है। मान सम्मान की वृद्धि के लिए कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन भोजन से पूर्व गौग्रास निकालना चाहिए। प्रातःकाल भोजन बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालने से व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्राप्त होता है। घर में यदि पारिवारिक कलह है, परिजनों के बीच प्रॉपर्टी या किसी अन्य कारण से विवाद चल रहा है तो उसे दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक आसान उपाय बताया गया है। इसके तहत गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक लगाएं, किसी भी मंदिर के सामने गुजरते समय शीश झुकाकर प्रणाम करें। ऐसा करने आपके परिवार के क्लेश दूर हो जाएंगे। इस उपाय से प्रेम जीवन की परेशानियां होंगी दूर। अगर प्रेम प्रसंग में प्रियतम के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो इसे दूर करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण उपाय को करने की आवश्यकता है। इसके तहत आपको बुधवार के दिन बागवानी करनी चाहिए। इस दिन कोई नया पौधा लगाएं और एक बच्चे की तरह उसका लालन पालन करें। इस उपाय को करने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में कामयाबी के लिए करें यह उपाय। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको शनि ग्रह से जुड़े हुए उपाय करने होंगे। शनिवार के दिन लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर अपनी छाया देखें और उसे दान कर दें। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि वालों का स्वामी शनि ग्रह है, अतः इस राशि के जातकों को शनि की शांति के लिए नीलम रत्न,
सात मुखी रुद्राक्ष और धतूरे की जड़ी को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले पहने ये रत्न, हर बाधा होगी दूर, चमकेगा भाग्य। कुल 12 राशि होती है। ज्योतिष के अनुसार हर राशि के जातकों के जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं आती ही रहती है। समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष में अनेक उपाय भी बताए हैं। ज्योतिषाचार्य पन अरविंद तिवारी के अनुसार कुंभ राशि के बारे में बताया कि कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है। अगर किसी कुंभ राशि के जातक के जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो तो वे उनसे मुक्ति पाने के लिए इस रत्न को अवश्य धारण करें। कुछ ही दिनों में बाधाएं दूर होने लगेगी और कुंभ राशि के जातकों का भाग्य चमकने लगेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सत्ताधारी ग्रहों में शनि और यूरेनस है। कुंभ राशि के लोग अक्सर एक सामाजिक कार्यों के लिए अपने जीवन को लगाने के साथ प्रगतिशील भी होते हैं और हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली रत्न है नीलम। नीलम रत्न संबंधों, विशेषताओं और व्यवसाय को बहुत तरीकों से प्रभावित करने के साथ यह रत्न व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गणों को प्रभावित भी करता है। साथ ही इसके पहनने से भाग्य उद होने लगता है। कुंभ राशि के पुरुषों के लिए नीलम के अलावा अन्य रत्न गार्नेट और जैस्पर भी लाभकारी होते हैं। ऐसे पहने इस रत्न कोडोट नीलन रत्न को सोने की अंगूठी में ही पहना जाता है, जिससे शीघ्र लाभ मिलने लगता है। मंत्र उषण शनैश्चराय नम। इस मंत्र का जप पहले 1100 बार लाल चंदन या मोती की माला से जप करके अंगूठी को सिद्ध करके पहने। इस मंत्र का 51 बार उच्चारण करते हुए पहने। मंत्र उब्रम ब्रिम ब्रह्मा बुद्धा नम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।